ਅੱਜ ਹੀ ਡਾਊਟਨੈਟ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। ਡਾਊਟਨੈਟ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਮੈਥ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੇ ਡਾਊਟਸ ਦਾ ਸਫਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੋ, ਉਸਨੂੰ ਕ੍ਰੋਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵੀਡੀਓ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਾਓ। ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਡਾਊਟਨੈਟ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। हेलो स्टूडेंट्स, तो साडा आज का क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन ईपी इज 3n स्क्वायर प्लस 5n एंड इट्स mth टर्म इज 164, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ओके, सो सानू गिवन है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन ईपी इज 3n स्क्वायर प्लस 5n एंड द सेम एपी, वो सेम एपी द mth टर्म सानू गिवन है 164। ठीक है, ते सानू वो टर्म फाइंड करना है, m दी वैल्यू फाइंड करनी है बेसिकली। ठीक है, तो सब तो पहले असि लिख लेने जो सानू गिवन है। Now, सानू गिवन है mth टर्म 164 है, so am is equals to 164। ठीक है, now am की हो जाएगा a plus m minus 1 into d is equals to 164। आ साड़ी होगी पहली इक्वेशन। now इस इक्वेशन दे विच a जो कि साड़ा फर्स्ट टर्म है, वो भी नहीं पता सानू, ते कॉमन डिफरेंस वो भी नहीं पता। ठीक है, वो फाइंड करने वास्ते सानू सम वाली यूज करनी पड़ेगी इक्वेशन। साड़ी इक्वेशन है सम वाली एस एन इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n। ठीक है, असी एस nth टर्म यूज करांगे सो दैट असी a ते कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड कर सके। ठीक है, सो इथे लेट्स पुट द वैल्यू 1 पुट करते हैं n दी। ठीक है, तो आ जाएगा एस वन इज इक्वल टू 3 1 स्क्वायर प्लस 5n 1, तो आ जाएगा 3 प्लस 5 दैट इज 8। ठीक है, सो एस वन हो गया साडा 8, तो आ ए वन भी होगा। ठीक है, लाइक द फर्स्ट टर्म आई होगा, सेम ही फर्स्ट टर्म होगा, राइट। नाउ सानू कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करना है, सो कॉमन डिफरेंस वास्ते सानू एक और टर्म चाहिए, तो असी पुट कर दें एस टू। ठीक है, असी पुट कर दें एन दी वैल्यू 2 है ऑल्सो, तो 2 स्क्वायर प्लस 5, सो इतने सॉल्व कर दें 3 टाइम्स हो जाएगा 4 प्लस 5 टाइम्स हो गया 10, तो आ जाएगा 12 प्लस 10 आ जाएगा 22। नाउ 22 की है गया सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, फर्स्ट एंड सेकंड टर्म। ठीक है, सो साडा फर्स्ट टर्म है 8, सानू कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, तो कॉमन डिफरेंस वास्ते सानू पहला सेकंड टर्म चाहिए, सो सेकंड टर्म a2 हो जाएगा s2 माइनस s1। ठीक है, सो आ जाएगा 22 माइनस 8 आ जाएगा 14। सो साडा फर्स्ट टर्म है 8, सेकंड टर्म है साडा 14। ना ऐसे इजीली कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा साडा d हो जाएगा a2 माइनस a1, हो जाएगा 14 माइनस 8 दैट इज 6। ठीक है, आ गया साडा कॉमन। नाउ साडे कोले फर्स्ट टर्म दी वैल्यू हैगी है, कॉमन डिफरेंस हैगा, वो दोनों वैल्यू ਅਸੀਂ ਫਰਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਫਰਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ a plus m minus 1 into d is equals to 164। ठीक है, इतने वैल्यू पुट करते हैं, फर्स्ट टर्म है 8, 8 प्लस m वो सानू फाइंड करना है, d आ गया साडा 6। ठीक है, 164 आ इक्वेशन सॉल्व करते हैं एंड m दी वैल्यू फाइंड करते हैं। ओके, सो असी इहदे विच 8 नू राइट साइड ते लेके जाने हैं, तो हो जाएगा 164 माइनस 8। ठीक है, हो जाएगा 156, तो 1 माइनस वो आ हो गया 156। ठीक है, तो इसका मतलब m माइनस 1 हो जाएगा 156 बाय 6। ठीक है, और सॉल्व करके हो जाएगा 26। ठीक है, m माइनस 1 हो गया 26, तो m की हो जाएगा 26 प्लस 1 दैट इज 27। सो आ साडा फाइनल आंसर है, सो m इज इक्वल टू 27 आ साडा फाइनल आंसर है। ठीक है, आई होप सोनू सॉल्यूशन समझ आ गया होगा। थैंक यू।